जय हिंद दोस्तों। आज सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि HCS के पेपर के खिलाफ, रिजल्ट के खिलाफ लड़ाई में आप बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। बहुत सारे लोग पंचकुला में मीटिंग के लिए आए, मीडिया कवरेज भी मिली और बहुत सारे लोगों ने फोन पे फोन करके मुझे आश्वासन दिया कि हम सब साथ हैं। एक बात इसमें बुरी भी थी कि कोचिंग ओनर्स में से जिनको हमने बुलाया था, हमारे जैसे कोचिंग ओनर्स, जो कोई रैंक वन, कोई रैंक सबसे बड़ी कोचिंग, कोई सबसे ज्यादा रिजल्ट पोट्रे करता है, उनमें से कोई नजर भी नहीं आया। सो उनके लिए भी मैं दरखास्त करूंगा सर, अब जब अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट्स को, लाभार्थियों को आपकी जरूरत है तो उनका साथ दें, फाइनेंशियली एंड एवरी वे पॉसिबल। सो आज शुरू करते हैं जी अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार, 27 सितंबर में आपका स्वागत। करंट अफेयर्स का जो पिछला MCQ था, फर्स्ट समिट G20 का कहां पर हुआ है? सो ये USA में हुआ था जी, 2008 की बात है। कोई भी एग्जाम 2023-24 में दे रहे हैं आप तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ग्रेट ग्रांट, आज का सवाल, ग्रेट ग्रांट न्यूज में देखा गया है। सो ये ग्रेट ग्रांट कौन सी मिनिस्ट्री से संबंध रखता है? ग्रेट ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम से रखता है, MSME से रखता है या रूरल डेवलपमेंट से? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आई विल टेल यू ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट वीडियो। देन सर, फैक्ट्स कौन से रेलेवेंट है आज न्यूज़पेपर में? आरोग्य मंथन हो रहा है 2023। आरोग्य मंथन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने कराया है जी, न्यू दिल्ली में। क्यों करा रहे हैं? बिकॉज आयुष्मान भारत के 5 साल की एनिवर्सरी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की सेकेंड एनिवर्सरी के संदर्भ में क्या हो रहा है सर? आरोग्य मंथन, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। देन हिंदुस्तान की ऑफिशियल एंट्री एट ऑस्कर्स कौन सी है इस बार? 2018 एवरीवन इज अ हीरो, दिस इज अ मलयालम मूवी एंड अराउंड केरला फ्लड्स ये मूवी है। 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ध्यान रखना। देन ग्राउंड ब्रेकिंग, वेरी वेरी गुड, इंश्योरेंस इनोवेशन, बीमा विस्तार। इस बीमा विस्तार में हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर? ऑल इन वन अफोर्डेबल इंश्योरेंस होगी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक ही प्रोडक्ट के साथ मिल जाएगी और इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ना लाइकली है। देन एक और नई चीज सरकार ने करी है, 50 ईयर बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है। 50 ईयर बॉन्ड क्या है सर? एक बॉन्ड क्या होता है? वो पेपर जिसपे लोन लिया जाता है। सो सरकार ने 50 साल के टेन्योर वाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा है और इससे 30,000 करोड़ शायद रेज कर पाएंगे। सो ध्यान रखना, 50 ईयर बॉन्ड इज द न्यू थिंग। देन पासिंग ऑफ न्यूज में आ रहा था, आई थॉट इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। सो टेक्निकल भाषा में तो इलीगल एक्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट सिमिलर टू वंस कॉपीराइटेड और ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट, राइट? सो बट देसी भाषा में समझे तो KFC देखा होगा आपने, कंटक्की फ्राइड चिकन, ऐसे ही आपको पंजाब में बहुत जगह मिल जाएंगे सेम बैनर वाले KFC, बट वो होगा करमजीत फ्राइड चिकन। सेम बैनर, सेम सब कुछ, सेम प्रोडक्ट और सेम ही नाम KFC, बट जैसे मेरे ताए दा नाम करमजीत है सो मैं KFC रखूंगा। सो क्या ये सही बात है? KFC ने लाल बोर्ड बनाया, KFC ने अपना नाम रखा, फ्राइड चिकन बेचो, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा फ्राइड चिकन रखो, KFC भी रखो चाहे, बट उनको डिसीव ना ना करो कस्टमर्स को कि KFC के ट्रेडमार्क के आप वही चीज बेच रहे हो। सो दिस डिसेप्टिवली सिमिलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ और द रेमेडी ऑफ पासिंग ऑफ, कि यार आप क्या कर रहे हो, राइट? सो ये कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा डिटेल जनरल स्टडीज के लिए जरूरत नहीं है, बट आइडिया होना चाहिए क्या है, राइट? देन कीवर्ड्स, वेरी 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 नेसेसरी आज के मुद्दे के साथ, इवन एजुकेशन के साथ, यूथ के साथ। सर एजुकेशन के जो शॉप्स है, डिग्री शॉप्स नहीं बनाने, डिग्री शॉप्स नहीं बनाने, हमें टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन बनाने। डिग्रियां बेचने की शॉप्स हैं यार, पेपर पास कर ले, चल कोई ना मर्सी अटेम्प्ट दे ले, और फिर बाद में हम कहते हैं कि हमारा जो यूथ है वो स्किल्ड ही नहीं है, वो जॉब के लिए इतना उसके पास क्वालिटी नहीं है कि हम उसे जॉब दे सकें, और दुनिया में फिर हम कहेंगे कि हमारा यूथ, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में ना बदल जाए, इसीलिए हमें
डिग्री शॉप्स को टेंपल्स ऑफ एजुकेशन बनाना ही बनाना है, और इसको आपको एजुकेशन के आंसर में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आंसर में, डेमोग्राफी के आंसर में और अपनी जिंदगी के आर्गुमेंट में यूज करना है सर, क्योंकि यूथ को आगे लेके जाना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश को आगे बढ़ाना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम आपको इस कार्य में पूरा साथ देंगे। जय हिंद।